Hello, my dear kids. Welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing English Grammar of Class 7. So, here children, this is your book and the name of your book is Grammar Glitter Odyssey. And today we are going to start with chapter number 10 and the name of the chapter is Modals and Auxiliaries. An auxiliary is a helping verb. Do you know what are auxiliary verbs? Auxiliary verbs को ये हम helping verbs के name से जानते हैं. There are two types of auxiliary verbs. Auxiliary verbs को भी two parts में divide किया गया. Primary auxiliaries and modal auxiliaries. What are primary auxiliaries? Are, be, have and do. So ये जो तीन words हैं ये जो है हमारे primary auxiliaries हैं. The forms of be are, be के जो form है वो है is, am, are. Was, were, ये be form है. Have के जो form है वो है the form of have, are, has, have, had. And do के जो form है वो है do, does and did. So ये जितने भी auxiliaries अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं ये सारे हैं primary auxiliaries. Next is modal auxiliaries, are also called modals. इन्हें modals भी कहते हैं. They are, can, could, may, might. Shall, should, must, will, would, used to, need, dare and ought to. तो यहाँ पे ये जो words लिखे हैं इन्हें modals कहते हैं. Modals do not change their form. Modals अपने form को change नहीं करते हैं. So now let's learn about primary auxiliaries in detail. First is uses of be. Be form के क्या क्या uses हैं. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टीन्यूअस टेंस. कॉन्टीन्यूअस टेंस को बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्जाम्पल मदर इज निटिंग अ स्वेटर, तो कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसकी जरूरत पड़ गई. सेकेंड वन इज शोइंग दैट द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डू. सो ये जो बी फॉर्म में ये यूज़ किए जाते हैं इसलिए ताकि ये बताते हैं कि जो एक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डूअर से. द कबर्ड वॉज ओपन बाई कीर्ति. सो यहाँ पे क्या हो गया वॉज हमारा जो है बी फॉर्म हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी का. नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ अ प्लान अरेंजमेंट. किसी प्लान अरेंजमेंट की बात करनी हो तो वी आर टू फिनिश द वर्क इन अ मंथ. एंड कमांड के लिए यूज करते हैं यू आर टू पिक अप इट राइट नाउ. पिक इट अप राइट नाउ, तुम्हें इसे अभी तुरंत उठाना है. सो कमांड देने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ हैव. अभी हमने बी के जो यूजेस थे वो पढ़े, अब हम हैव के यूजेस पढ़ेंगे. फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंसेस. परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हमें हैव की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल द आर्टिस्ट हैव प्लान पेंटेड ब्यूटीफुली. फिर है ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ किया जाता है टू. फॉर एग्जांपल दे हैव टू रिटर्न इमिडिएटली. नाउ द यूज़ ऑफ डू इज फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इनका जरूरत पड़ती है ही डजंट अग्री विथ मी. एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल डिड यू मैनेज टू फिनिश द असाइनमेंट. सो दीज वर द यूजेज ऑफ बी हैव एंड डू फॉर्म्स. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज नंबर ए. Complete the sentences using suitable auxiliary verbs. Auxiliary verbs को हमें use करना है and then we have to fill in the blanks. I am impressed with your carpentry skill. Did you learn it at school? क्या तुमने इसे school में पढ़ा था? Next one is dash you enjoying your meal. I cooked it specially for you. So यहाँ पे हम लिखेंगे Are you enjoying your meal? क्या तुम अपने meal को enjoy करो? मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया था specially. Third one is I am going to the party tonight. Everyone is going to be there. मैं party में जा रही हूँ और सब वहाँ पे आने वाले हैं. Fourth one is dash you done your assignment. I am still working on it. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Have you done your assignment? क्या तुमने अपना assignment complete कर लिया है? I am still working on it. मैं अभी भी उस पर वर्क कर रही हूँ. सो दीज आर अ फ्यू क्वेश्चन दैट वी हैव डन. रेस्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू योर सेल्फ. नाउ एज यू हैव लर्न अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स लेट्स लर्न अबाउट मोडल्स.
यूज ऑफ शैल, शैल का यूज कहाँ पे होता है? शो प्योर फ्यूचर, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं हम शैल. आई शैल बी इन माई क्लास एट दिस टाइम टुमारो, मैं इस समय अपने क्लास में होऊंगा. यूज ऑफ शैल विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन शोज प्रॉमिस, जब हम शैल को किसी सेकेंड या फिर थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं तो ये क्या बताता है? प्रॉमिस बताता है. वी शैल मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन अगेन, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये दोबारा ना हो. ऑर्डर और थ्रेड, यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट, अपने मिसकंडक्ट के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके का थ्रेड दिया जा रहा है. इंटेंशन और प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन के लिए आई और वी ओनली, आई शैल डू दिस टिल नेक्स्ट मंडे, या फिर हम वी के साथ इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट इज शुड, इट इज यूज फॉर ऑब्लिगेशन, वी शुड हेल्प द पुअर. फॉर गिविंग एडवाइस और रिकमेंडेशन, यू शुड टेक मिल्क नॉट कॉफी. एंड फॉर शोइंग प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन दैट ही वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ MBBS, he should have become a doctor now. Will generally replaces the use of shall in current usage. Will जो है रिप्लेस किया जाता है shall के को रिप्लेस करने के लिए. I will be in Delhi soon. Use of will shows pure future. Third person के साथ हम इसे यूज करते हैं. Our principal will retire on 28th June. Use of will with first and second person shows, जब हम will को use करते हैं first और second person के साथ, it shows wish, wish को बताता है. I will go home now, मैं घर जाऊँगा. Request बताता है, will you please lend me your scooter. Determination बताता है, we will fight injustice. Willingness बताता है, I will lend you my pen. Threat को भी बताता है, I will surely punish him. Now what are the uses of would? It is used for a polite request, would you pass the teapot? And for an inquiry about the wish of a person adhered. For example, would there that I were the president? Now use of can. Can shows ability. He can teach you how to speak German. Permission batata hai. We cannot park our cars here. Next, with verbs like see, hear, feel and remember. In sare words ke saath bhi hum use karte hain can ko. I can't remember if he said 5 or 6. That something is possible. Ye batata hai ki kuch possible hai. You can get cramps if you swim after eating. So these are a few uses, children, a few modals. Next one is use of could. Could shows ability. He could read what when he was 4. Permission batata hai, could I see what is in your hand. To permission lene ke liye hum could ko use karte hain. A polite request. Request karne ke liye hum could ko use karte hain. Could you please pass on the book? With words like see, hear, smell. In sare words ke saath bhi, remember or recognize ke saath also we can use could. I could hear them, their laughter from the other room. Now what are the uses of may? May is used for permission. May I see these photographs? It is also used for possibility or probability. The train may be late. Purpose ke liye use kiya jata hai. Work hard so that you may pass. Wish or hope ke liye use kiya jata hai. May God bless you. Now let's learn the use of might. Might ka kya kya use hai? Might is used for possibility. It might rain but it is not sure. It is used, might is used for purpose. In the past, he worked hard so that he might pass. Must is used for obligation. Everyone must love his motherland. Advice or recommendation that the patient is serious, you must take him to hospital. Ek logical conclusion ke liye bhi hum must use karte hain. We must work a lot, you must be tired. You have worked a lot, you must be tired.
एक प्रोहिबिशन के लिए भी यूज करते हैं, यू मस्ट नॉट लीव द ऑफिस विदाउट परमिशन. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ R2? R2 इज यूज फॉर ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस और रिकमेंडेशन. सो द एग्जाम्पल्स आर वी ऑट टू डू आर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड शी ऑट टू कंसल्ट द डॉक्टर, गुड डॉक्टर. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ नीड? नीड इज यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी. ऑब्लिगेशन या फिर नेसेसिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है. नीड आई रिमेंबर यू फॉर योर प्रॉमिस ऑफ योर प्रॉमिस सॉरी नीड आई रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस. नाउ द व्हाट इज द यूज ऑफ यूज्ड टू? यूज्ड टू का क्या यूज है? अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो जिसके आपको हैबिट थी पास से, ऐसी चीजों के लिए हम यूज टू यूज करते हैं. आई यूज टू प्ले क्रिकेट वेन आई वॉज यंग, मैं बचपन से ही ये क्रिकेट खेलने का काम कर रहा हूँ. अ स्टेट ऑफ थिंग दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, कोई ऐसी चीज जो पास में एग्जिस्ट कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल देयर यूज टू बी अ होटल हियर 10 years ago, यहाँ पे 10 साल पहले एक होटल हुआ करता था. नाउ यूज ऑफ डेयर, अब डेयर का क्या यूज है? Having courage to be brave enough. For example, how dare you disobey your parents? तो dare क्या है? Courage को बताता है. So children, I hope that you have learned so many uses of different modals and auxiliaries. Now let's do exercise number B. Here you have to fill in the blanks with suitable modals. Dash, I leave the school an hour early. तो आप question पूछ रहे हो, किसी से permission मांग रहे हो, तो आप लिख सकते हो Can I leave the school an hour early? I have an important match. मेरा एक बहुत ही important match है. Dash, I have your bat please. तो आप यहाँ पर लिखेंगे May I have your bat please? John, you dash. Stay with us as long as you like. तो आप जॉन से कह रहे हो कि तुम जो है हमारे साथ रुक सकते हो जब तक तुम चाहो. So what we will fill here? John, you may stay with us as long as you like. Now the fourth one is dash, you remit the fine, sir. So could you remit the fine, sir? Or we can write, will you remit the fine, sir? So similarly, children, fill in the blanks with the modals that we have learned. Now let's come to exercise C. Match the sentences with the meaning they express. तो यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ meanings दिए गए हैं. हमें क्या करना है उनके साथ? उन्हें match करना है. So may we leave the classroom when the bell rings? So this is asking for permission. Please may I borrow your pencil? You are requesting somebody. So like this, match the given sentences. Now let's move on to exercise D. Choose the correct alternatives. यहाँ पे दो options दिए गए हैं, उनमें से हमें choose करना है which one is correct. You dash not lie. You should not lie. तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए. She dash be ashamed of herself. She could be ashamed of herself. Now the third one is we dash help those in distress. We ought to help those in distress. So complete these questions on your children. So with this children, we have completed the chapter. I hope that you have learned what are auxiliaries and modals. And I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay related and thanks for watching.